हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। फटाफट हरियाणा का महाशिवरात्रि के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि महाशिवरात्रि के पुनीत अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर लिखा कि देवी पार्वती और भगवान शिव के विवाह के पावन स्मरण मनाया जाने वाला ये उत्सव संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी हो। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिवरात्रि के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि देशवासियों को महाशिवरात्रि के मौके पर ढेरों शुभकामनाएं, हर हर महादेव। देश में आज महाशिवरात्रि की धूम, भगवान शिव के भक्त सुबह से ही मंदिरों की कतार में लगे हैं। कोरोना काल के बीच आई महाशिवरात्रि को काफी सावधानी के साथ मनाया जा रहा है। पानीपत के संत रोड पर मौजूद शिवपुरी मंदिर में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। भक्त सुबह से ही महादेव की पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। यमुनानगर में भी भक्त सुबह से भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं। शिवरात्रि के मौके पर मंदिरों को खास तौर पर सजाया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि के दिन व्रत पूजन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिवरात्रि के दिन रात में पूजा करना सबसे फलदायी माना गया है। रेवाड़ी में महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। रेवाड़ी के प्राचीन भूतेश्वर मंदिर में भक्त सुबह से ही भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। गुरुग्राम में भी शिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग पर दूध और गंगा जल चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहे हैं। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन शिव पार्वती की बारात भी निकाली जाती है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार के खिलाफ बीते दिन कांग्रेस की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बयान दिया कि उन्होंने कहा कि हमने विधायकों से अपील की थी कि हम एक बार आपका वोट मांग रहे हैं, लेकिन विधायकों ने किसानों की नहीं सुनी। चढ़ूनी ने कहा कि देश की जनता को बचाने के लिए केवल हमने एक बार विधायकों से वोट की अपील की थी, लेकिन वो भी इन्होंने जनता को नहीं दिया, इन्होंने पूंजीवाद को वोट दिया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों से कहा कि जो लोग तुम्हारे नहीं हैं आपको भी उनका नहीं बनना। किसान नेता गुरनाम ने कहा कि जिन लोगों ने आपके कहने पर वोट नहीं दिया आपको भी उन्हें वोट नहीं देना। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 359 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में कोरोना के 80 नए मामले सामने आए, वहीं करनाल में 83 नए केस सामने आए। पंचकुला में कोरोना के 55 मामले, वहीं अंबाला में 31 नए मामलों की पुष्टि हुई है। फरीदाबाद में 20 और यमुनानगर में 18 नए केस सामने आए। प्रदेश में अब तक 3,064 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,73,446 केस सामने आ चुके हैं। मनोहर सरकार ने आज कांग्रेस की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जोरदार जीत हासिल की। मनोहर सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जिसके समर्थन में 32 वोट पड़े, वहीं प्रस्ताव के खिलाफ 55 वोट पड़े, जिसके बाद यह प्रस्ताव फेल साबित हुआ। यानी बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों ने सरकार को समर्थन दिया है।
दो निर्दलीय विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और सोमवीर सांगवा ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के दौरान सीएम मनोहर लाल की कांग्रेस को चुनौती। अविश्वास प्रस्ताव को बताया एहसानमंद, कहा कांग्रेस हर छह महीने में अविश्वास प्रस्ताव लाए। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कांग्रेस पर निशाना, कहा विपक्ष बताए कानून काले कैसे हैं, कांग्रेस ने किसानों में भ्रम फैलाया। सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने विधानसभा में उठाई सिरसा की जनता की आवाज, कहा मैं सिरसा की जनता के लिए सीएम के साथ हूं। सिरसा में मेडिकल कॉलेज की मांग पूरी होने पर सीएम मनोहर लाल का जताया आभार। कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर सिरसा विधायक गोपाल कांडा का कांग्रेस को जवाब, कहा पीएम मोदी किसानों के हक में कानून बनाने वाले हैं, गलत कानून नहीं बनाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरकार पर जमकर बरसे महम विधायक बलराज कुंडू, कहा मैं मोदी की विचारधारा का समर्थक, कृषि कानूनों का एक फायदा बता दे बीजेपी नेता, मैं पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। कांग्रेस की ओर से समय सीमा तय करने की निंदा की गई है, वहीं हुड्डा ने सीक्रेट वोटिंग कराने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये सरकार बहुमत की सरकार नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार विश्वास खो चुकी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के समय में कई घोटाले हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने सदन में कहा कि बॉर्डर पर कई राज्यों के किसान बैठे हैं, सिर्फ हरियाणा सरकार ने किसानों को रोका है। वहीं रघुवीर कादियान के बयान पर सदन में हंगामा भी देखने को मिला। अविश्वास प्रस्ताव पर कंवरपाल गुर्जर ने बोलते हुए कहा कि किसान आंदोलन की जिम्मेदार कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि हमने लाठीचार्ज किया, क्या उनके पास सबूत है? अगर है तो वो दिखाएं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस ने नफरत फैलाने की कोशिश की, किसानों को सरकार के खिलाफ कांग्रेस पर गला रही है। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों का हमेशा फायदा उठाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद किसानों के हित में कई योजनाएं शुरू की गई, जिसके बाद कृषि उपज में बढ़ोतरी हुई, जिसका सीधा फायदा किसानों को हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों की समस्याओं को समझती है, इसलिए बीजेपी को किसानों का साथ ही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों की समस्या को नहीं समझती, क्योंकि उनकी नजर में वाड्रा किसान हैं। वहीं बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि ये सत्ता की लड़ाई है, विपक्ष किसानों के नाम पर सत्ता को हथियाना चाहते हैं, किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर तोशाम विधायक किरण चौधरी ने कहा कि तीनों काले कानूनों को रद्द किया जाए। किरण चौधरी ने कहा कि कृषि कानून से मंडियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। किरण चौधरी ने कहा कि कृषि कानून किसानों को बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की आंखों में पानी की जगह खून के आंसू हैं। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस ने सभी जनप्रतिनिधियों को ये मौका दिया है कि वो ये बताएं कि वो जनता के साथ खड़े हैं। कुमारी शैलजा ने बताया कि सरकार की नीतियों के खिलाफ कई विधायकों ने
सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर की है और कईयों ने इस्तीफे भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज उनके पास मौका है, अगर आज वो पीछे हटते हैं तो जनता के दरबार में क्या जवाब देंगे। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल सरकार पर जमकर निशाना साधा। भुक्कल ने कहा कि किसान हमारी आन पान और शान है, हम किसानों के साथ थे और रहेंगे। कृषि कानून के विरोध में किसान 106 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। मंगलवार रात आई आंधी ने प्रदर्शनकारी किसानों के टेंट उखाड़ दिए। इतना ही नहीं, धरना स्थल पर पानी भी भर गया जिसे किसानों ने डब्बों से भरकर बाहर निकाला। इन सब परेशानियों के बाद भी किसान मुश्किलों से जूझने को तैयार हैं। किसानों का कहना है कि ये तो बहुत थोड़ी सी बात है जिसका वो डटकर सामना करेंगे। टिकरी बॉर्डर पर किसान गर्मी और बारिश से निपटने के लिए अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, जिसको लेकर किसानों ने पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। बीती रात आई आंधी ने किसानों के टेंट तो जरूर उखाड़ दिए लेकिन उनके हौसलों को नहीं तोड़ पाए। जहां मुश्किलें बढ़ रही हैं तो किसानों ने इससे निकलने का रास्ता भी खोज निकाला है, जिसको लेकर टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने बताया कि 18x20 का कमरा बना रहे हैं जिसमें कई खिड़कियां भी लगाई जा रही हैं। किसानों ने अपनी तैयारी की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें गांव के लोग और रिटायर्ड फौजी सभी मदद कर रहे हैं और किसान आंदोलन के दौरान किसानों की सुविधा को देखते हुए ये कदम उठा रहे हैं। किसान आंदोलन कब तक चलेगा ये कोई नहीं जानता। बीते 3.5 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर किसान नई नई रणनीति बना रहे हैं। कई मौसम बीत गए और कई मौसम फिर से वापस आ गए लेकिन अन्नदाता की मुश्किलें अभी तक खत्म नहीं हुई। झज्जर में तेज बरसात ने किसानों की खड़ी फसल को नष्ट कर दिया, जिसको लेकर किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। किसानों ने कहा कि हरियाणा सरकार विधानसभा सत्र में तुरंत किसानों के लिए मुआवजे की घोषणा करें। फतेहाबाद के गांव मानवारी के किसान लघु सचिवालय पहुंचे और खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर धरना दिया। किसानों का कहना था कि पिछले साल उनकी फसल खराब हुई थी जिसकी जानकारी उन्होंने तुरंत प्रशासन को दी। बीमा कंपनी के द्वारा सर्वे भी किया गया लेकिन मुआवजा अभी तक नहीं आया। किसानों ने कहा कि उनके पड़ोसी गांव में किसानों को मुआवजा मिल चुका है लेकिन मानवाली गांव के किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिल रहा। इसी के चलते किसान लघु सचिवालय पहुंचे और खराब हुई फसल के मुआवजे को लेकर मांग पत्र सौंपा। साइबर सिटी में गर्मी के आगाज के साथ पानी का संकट गहराता जा रहा है। कहीं लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है तो कहीं पानी का TDS बहुत ज्यादा होना मुश्किल का सबब बना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के नजदीक बसी हुई साई कॉलोनी की। पिछले 3 सालों से कॉलोनी के अंदर जो नगर निगम की तरफ से पानी की सप्लाई दी जानी थी वो अभी तक नहीं दी गई है। यही नहीं, यहां रहने वाले लोगों को पानी के टैंकर किराए पर मंगाकर अपना गुजर बसर करना पड़ रहा है। लोगों की शिकायत है कि कई बार उन्होंने RWA के आला अधिकारियों को इसको लेकर शिकायत भी दी लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला। दरअसल साई कॉलोनी में जो पानी है उसका TDS बहुत ज्यादा है और खारा पानी होने के कारण ये पानी पीने योग्य नहीं, जिसके चलते कॉलोनी से बाहर नगर निगम की जो पानी की सप्लाई है उससे इस कॉलोनी के अंदर पानी की सप्लाई मांगी गई थी। दूसरी तरफ गुरुग्राम के वीर नगर में दूषित पेयजल के चलते स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। यहाँ स्थानीय लोगों को अब बीमारी का डर सताने लगा है।
समस्या को लेकर लोक पार्षद से लेकर नगर निगम के तमाम अधिकारियों का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन उनकी मुश्किल का समाधान नहीं हुआ। वहीं अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच चरखी दादरी पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान में स्कूल बसों की विशेष तौर पर जांच की जा रही है। एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि शहर में 8 से 10 स्कूली बसों के चालान काटे गए। स्कूली प्रशासन कोविड के नियमों का सही तरीके से पालन कर रहा है या नहीं, इसी के मद्देनजर बसों की जांच की जा रही है। वहीं नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं, साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। भिवानी के मनीष कौशिक ने हाल ही में स्पेन में आयोजित हुई 35वीं अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 63 किलोग्राम भार वर्ग में स्पेन के बॉक्सर अमारी को 5-0 से हराकर अपना पांव ओलंपिक में जमा लिया है। भिवानी पहुंचने पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मनीष कौशिक का कई संगठनों ने भव्य स्वागत किया। वहीं बॉक्सर मनीष ने बताया कि वो परिवार वालों के आशीर्वाद से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि आगे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना ही उनका लक्ष्य है। मनीष के कोच मंजीत सिंह ने बताया कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि मनीष ओलंपिक में गोल्ड मेडल जरूर हासिल करेगा।